गाइज वेलकम बैक, सुनील ऑटो कार। सो आज हम लोग बात करेंगे इस MG कॉमेट के बारे में, जो कि यहाँ पे काफी बड़ी से छोटी आपको यहाँ पे ईवी व्हीकल ऑफर की जा रही है। एंड सबसे प्लस पॉइंट रहेगा इसका भाई रोड प्रेजेंट एंड यहाँ पे इसकी रेंज। तो भाई देखने में क्या लग रही है आपको, कितनी रेंज होगी? भाई कंपनी आपको इसमें क्लेम करती है 230 किलोमीटर की रेंज। इसी के साथ भाई 7 घंटे में आराम से नॉर्मल चार्जर से आप इसको चार्ज कर लेंगे। लुक्स आपको काफी तगड़े से मिलने वाले इस कार के। भाई छोटी सा बॉक्सेस स्टाइल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। साइड प्रोफाइल देख रहे ना, कितनी प्यारी सी दिख रही है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे भी काफी बड़े से लुक्स मिलने वाले, पूरी कनेक्टिंग बैक लाइट्स वगैरह आपको ऑफर की जा रही है। फीचर्स भी आपको इसमें काफी मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग मिली ना, तो आपको इसमें कार कनेक्टिंग काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और एक और आपको इसकी दिखाते हैं बेहतरीन सी चीज, ये रहेगी इसकी बढ़िया सी स्मार्ट की। तो यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक जैसे बटन मिलते हैं, जैसे गाड़ी को लॉक अनलॉक करेंगे, देखिए आप इसकी कनेक्टिंग बैक लाइट्स यहाँ पे ऑन हो गई। तो आइए फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बढ़िया से आपको कनेक्टिंग DRL लाइट्स यहाँ पे भी देखने को मिलती हैं। तो भाई जब भी इस गाड़ी को आप लॉक अनलॉक करेंगे तो बढ़िया से ये ऑन हो जाते हैं। बाकी नीचे देखेंगे ये हेडलैम्प्स वगैरह ब्लिंक कर रहे हैं, जो काफी प्यारे से लग रहे हैं। तो इसी का आज आपको पूरा वॉक अराउंड दिखाते हैं। बाकी डिटेल रिव्यू वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा हमारी चैनल पे। एंड यहाँ आएंगे फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्या कुछ आपको दिया जाएगा इस कार में। तो सबसे पहले तो इस तरह यहाँ पे बढ़िया से इसकी पूरी फ्रंट प्रोफाइल मिलती है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो आपको MG का लोगो, एंड यहाँ पे इसको जैसे ही प्रेस करेंगे ना, तो भाई ये देखिए चार्जिंग वाला यहाँ पे खुल गया। तो यहाँ पे आपको जो चार्जिंग गन मिलती है उसे आप चार्ज कर पाएंगे। चार्जिंग टाइम वही 7 घंटे लेती है समथिंग फुल होने में। एंड इसके ऊपर बढ़ेंगे ये इसकी कनेक्टिंग DRL लाइट्स वगैरह आपको देखने को मिलेगी, जो नाइट में और ही बढ़िया से परफॉर्मेंस बढ़िया से लुक्स प्रोवाइड करेंगे नाइट में इसकी DRL कनेक्टिंग लाइट। इसके बाद बम्पर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी आपको इसके बढ़िया से इंडिकेटर्स देखने को मिल रहे हैं। एंड इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए गए, ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसमें LED हेडलैम्प्स का पूरा सेटअप रहने वाला है। एंड आपको दिखा देते हैं एक बार, ये देखिए काफ़ी अच्छे से इसका थ्रो रहेगा, वही सेम इधर रहेगा। एंड नीचे यहाँ पे टोइंग का ऑप्शन, इंडिकेटर्स आपने देख लिया, ये इसकी लोअर ग्रिल, और इस तरह नीचे का इसका दिखता है पूरा सस्पेंशन सेटअप। एंड यहाँ पे भाई इंजन वगैरह नहीं है इसका, क्योंकि यहाँ पे EV व्हीकल है। देखेंगे आपको बोनट का साइज दिखाते हैं वाइपर से। अब जब आप इसको साइड से देखेंगे तो भाई ये इतू सा यहाँ पे इसका बोनट है, ये देख लीजिए। एंड ये जो कनेक्टिंग क्रोम वगैरह आपको मिला ना, काफ़ी प्यार से लग रहा है। इंडिकेटर्स यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक वे एडजस्टेबल आपको दिए जाएंगे। एंड इसी में आपको इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो देखिए ब्लिंक करे काफ़ी प्यारे से, एक पिलर यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। तो आइए आपको इसका बोनट दिखाते हैं खोल के यहाँ पे क्या कुछ रहेगा। तो उसके लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी दिखा देते हैं। बढ़िया से रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, आराम से प्रेस करिए कीलेस एंट्री। एंड आपकी जेब में गाड़ी होगी ना, तब भी आप आ जाएंगे तो अनलॉक हो जाएगी। डोर पैनल इस तरह बढ़िया से, इसका पूरा डैशबोर्ड का व्यू, तो डैशबोर्ड भी काफ़ी अच्छा सा दिया गया है। यहाँ पे MG का लोगो, काफी सारे माउंट कंट्रोल्स, यहाँ पे देखेंगे इंफोटेनमेंट वगैरह। तो अभी अंदर चलेंगे तब आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ऐसे बोनट खोलते हैं, तो ये दिया गया ना, यहीं से हो गया अनलॉक। ऑल द बेस्ट फॉर यू। तो ये देखेंगे यहाँ पे इस तरह इसका पूरा सेटअप किया गया है। यहाँ नीचे आपको इसकी ये मोटर वगैरह देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ से अपना जो पानी वगैरह वाइपर वाला है वो सारी चीज़ें आप डालेंगे। इधर बैटरी वगैरह का कंपार्टमेंट रखा हुआ दिख जाएगा। तो इतना सा ही समझ लीजिए सब कुछ यहीं पे प्लेस किया गया है। एंड बैटरी जो आपको मिलती है ना, इसको बंद कर देते फिर आपको दिखाते हैं। तो ये हो गया बंद, इतना सा बस इसका समझ लीजिए बोनट जो भी बोलिए वो दिया गया है। एंड बैटरी कंपार्टमेंट वगैरह जो आपको मिलता है ना, वो दिया जाता है पीछे की तरफ। तो आइए एक बार आपको उसको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जब पीछे आएंगे तो नीचे देखेंगे यहाँ पे ये भाई इसका पूरा सिस्टम, और ये चीज़ देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपको नीचे लग रहा होगा ना, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा लगने के चांसेस, वैसे इतने मैंने ड्राइव की कहीं से भाई टच तो नहीं हुई गाड़ी, तो देखने में वो अलग चीज़ है कि लग रहा है। एंड यहीं पे बैटरी वगैरह की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, बैटरी वगैरह यहीं पे नीचे प्लेस की गई हैं। रियर प्रोफाइल की अगर बात कर ले तो ये काफ़ी बढ़िया से इसकी प्यारी सी बैक प्रोफाइल। एंड यहाँ पे इसकी कनेक्टिंग बैकलाइट तो आप ऑन करके दिखाते हैं। ये देखिए कनेक्टिंग बैकलाइट, यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा, MG का लोगो, यहाँ पे कॉमेट की आपको बैजिंग दी जा रही है, एंड इंटरनेट इनसाइड की यहाँ पे बैजिंग, क्योंकि आपको इसमें कार कनेक्टिंग काफी सारे फीचर्स मिल जाएंगे। बैकलाइट्स वो भी यहाँ पे बड़ी ऐसी LEDs यहाँ पे रह गई, इसी में इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट, तो देख रहे हैं यहाँ पे ब्लिंक कर रही है। ऊपर यहाँ पे लाइट आपने देख ली, यहाँ पे हेड माउंट स्टॉप लैम्प। एंड इसके बाद यहाँ पे EV की बैजिंग दी गई है बैक प्रोफाइल में। बम्पर में इधर भी रिफ्लेक्टर बम्पर में, एंड इस साइड भी। एंड ये लंबे दिए गए। एंड यहाँ पे दो पॉइंट्स आपको मिलते हैं इसके रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के। एंड यहाँ पे भी देखेंगे लाइट, और नीचे का आपने यहाँ पे देख लिया पूरा सेटअप। एंड बूट स्पेस की अगर बात कर ले इस कार की, तो आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ से एक्सेस करते हैं, कैमरा वगैरह आपने देख लिया, तो ये भाई साहब यहाँ पे इसका बोर्ड ये देखिए, यहाँ पे भाई इस तरह का आपके बैग आ सकते हैं। और सोचिए बड़ा बैग भाई, यहाँ पे गाड़ी देख रहे हैं ना, एकदम बॉक्सी स्टाइल में जिस हिसाब से आपको यहाँ पे दी जा रही ना, उस हिसाब से जाहिर सी बात है आपको बूट स्पेस ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे लुक्स रोड प्रेजेंट तो आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे साइज के हिसाब से आपको काफ़ी प्लस पॉइंट ये रहेंगे ना, कि आपके पास मान लीजिए पार्किंग का ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, या आपकी गली वगैरह ज़्यादा चौड़ी नहीं है, तो आप आराम से अपनी इस MG कॉमेट को वहाँ पे घुसा सकते हैं जहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा पाएंगी। तो बूट स्पेस यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा चाहिए, मान लीजिए दो लोग ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसका आपको ऑप्शन मिलता है, वो रहेगा
है, सीट्स को आप इस तरह बढ़िया सा फोल्ड कर दीजिए। तो यहाँ पे दोनों सीटें कुछ इस तरह फोल्ड हो जाएंगी, तो आपको काफी बढ़िया सा आपको बूट स्पेस भी एज अ यूज कर सकते हैं जब आप दो लोग ट्रेवल करेंगे तब। अदरवाइज अगर इनको आप स्टैंडिंग पोजिशन में रखेंगे सीधा, तो इसको पहले सीधा कर देते हैं, तो अगर आप इनको सीधा रखेंगे ना तब इतना कुछ बूट स्पेस यहाँ पे रहेगा जिसमें आप इस तरह के बैग रख पाएंगे। हालांकि छोटे मोटे आपके आ जाएंगे। एंड यहाँ पे दिखा दो चार्जिंग गन आपको मिलती है ना, कैसी दी जा रही है, तो भाई ये रहेगी यहाँ पे इसकी चार्जिंग गन। तो इसे आप आराम से 7 घंटे में अपने घर पर ही अपने कार को चार्ज कर सकते हैं। इसको भी रख देते हैं अंदर। एंड इसी के साथ और आपको क्या मिलता है वो एक बार आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखेंगे ना तो जो पंचर रिपेयर किट रहती है ना, जैसे लिक्विड वगैरह, एंड वो खोलते हैं इसको फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे लिक्विड वगैरह रहेगा, ये टायर इन्फ्लेटर वाली जिससे हवा वगैरह भरेंगे, तो इसको डाल के अगर इनकेस आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है तो आप उसे खुद ही उसको बना सकते हैं। तो ये आपको चीज़ें मिलेंगी। बाकी यहाँ पे कुछ ये रखा हुआ आई थिंक टूल किट वगैरह होगी, तो इसको भी करते बंद एंड इसे बंद फिर चलते कार के अंदर। यहाँ से देखेंगे तो भाई ये इस तरह कुछ पूरी दिखती है इसकी डोर, तो इसको बंद कर देते हैं। एंड ओवरऑल लुक्स तो भाई यहाँ पे काफ़ी प्यारे से बनाए गए हैं इस कार के। तो अभी जब इसको हम लोग बाहर लेके निकले थे ना टेस्ट ड्राइव के लिए, तो भाई मीडिया राइड में इतने लोग मुझे मिले ना, रोक रोक के पूछ रहे भाई ये कौन सा व्हीकल है, क्या है, क्या प्राइस है। तो काफ़ी कुछ मतलब इतना ज़्यादा लोगों के अट्रैक्टिव थी ये गाड़ी कि सब लोग इसको पलट पलट के देख रहे थे। एंड इसी के साथ भाई पूरी तरह से इसके बहुत लोग फैन हो गए थे। तो भाई चलते अंदर। उससे पहले पे देखेंगे पिलर पे, यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक की आपको बैजिंग दी जा रही है। हैंडल देखेंगे बढ़िया क्रोम फिनिश में दिया गया है। 3 डोर्स आपको मिलेंगी ये एंड ये बूट वाली। बाकी अगर आपको अंदर जाना है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया, सेंसर दिया गया। अदरवाइज आपके पास ये स्मार्ट की होगी ना, यहाँ पे लॉक अनलॉक एंड ये बटन दिए गए जिससे आपका बूट गेट वो हो जाता है, तो आप इसको प्रेस करिए इजिली खुल जाएगा। तो अभी देखिए लॉक है, ये मैंने किया, ये हो गया, खुल गया। एंड और ये रही इसकी पूरी डोर पैनल। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा फैब्रिक मटेरियल, डोर ओपनर, ट्विटर, नीचे यहाँ पे स्पीकर्स मिलेंगे फ्रंट वाली डोर्स में। एंड इस तरह डैशबोर्ड वगैरह का पूरा बढ़िया सा व्यू। सीट्स यहाँ पे वही फैब्रिक की रहने वाली है। तो आइए बैठते हैं अंदर। अंदर बैठने से पहले आपको दिखाते हैं यहाँ पे 2 पैडल्स रहेंगे, ब्रेक एंड एक्सीलेटर वाला। बाकी डैशबोर्ड आप देख लीजिए। तो आप चलते कार के अंदर। उससे पहले आप देखिए सीट रिक्लाइन का आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। अंदर जाएंगे ना तो इधर से भी जा सकते हैं, बट उधर से आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा अंदर जाने के लिए, क्योंकि वो एक ही बार में फोल्ड हो जाएगी। तो अब आइए बैठते हैं कार के अंदर। के अंदर तो यहाँ पे है क्या, अभी देखिए ऑन है, बट ये क्या स्टार्ट नहीं, गाड़ी स्टार्ट होगी तो यहाँ पे रेडी लिख के आ जाएगा इस तरह देख लीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे देखिए न्यूट्रल पे है आपका ये जो ब्रेक पैडल है ना, यहाँ पे आपको 2 बार प्रेस करना है, ये हो गई रेडी यानी कि स्टार्ट वाला है। तो उसके लिए आपको क्या ना पैडल ही प्रेस करना है। तो भाई पैडल से क्या है ना, 2 बार प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी हो जाती है रेडी। देन उसके बाद आप एक्सेलेटर जैसे ही लेंगे तो आपकी गाड़ी भाई चलने के लिए, चलाते हैं इसको दिखाते हैं, तो देखिए चलने के लिए हो गई एकदम तैयार। एंड इसी के कर देते हैं न्यूट्रल। एंड यहाँ पे देखेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन, कितने परसेंट बैटरी है, क्या रेंज बची हुई है, 230 की रेंज आपको इसमें मिलती है। अभी यहाँ पे वही हम लोग चला के है ना, तो इस वजह से रेंज यहाँ पे देखेंगे कम हो गई है। तो इसको ऐसा क्लस्टर एंड इसमें भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ये देख रहे हैं ना, रीजनरेशन वाला इधर, बाकी नॉर्मल मोड, इसी के साथ आपको यहाँ पे स्पोर्ट मोड, इको मोड, ये 3 बढ़िया से यहाँ पे मोड्स भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ऑडियो मीटर वगैरह इसका देख सकते हैं, टोटल 471 किलोमीटर चल गई है। एंड भाई आपको इसमें बढ़िया चीज़ मिलती है, यहाँ पे देख रहे हैं जो कार बन के आ रही है, जैसे आप ब्रेक यहाँ पे प्रेस करेंगे तो देखिए लाइट्स यहाँ पे ऑन हो जाती है। तो ये काफ़ी बढ़िया आपको इसमें पूरा जैसे होता है ना कैमरे का, उस तरह आपको यहाँ पे देखेंगे एंगल दिख रहा होगा। एंड ये बढ़िया रहता है ना, लाइट्स आप जब भी ब्रेक लगाते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। एंड इसके बाद आएंगे स्टेयरिंग में, तो यहाँ पे एम जी का लोगो, बढ़िया सा लेदर आपको यहाँ पे इसका स्टेयरिंग व्हील दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, इसकी ट्रिप वगैरह एंड और जो भी इन्फॉर्मेशन देखना है। एंड इधर आपको मिलते हैं मल्टी मीडिया वाले सारे कंट्रोल्स। एंड इसी के साथ अब आएंगे इधर, तो यहाँ पे वही एंटरटेनमेंट, तो ये तो इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सभी कुछ यहाँ पे वायरलेस आपको देखने को मिल जाएगा। 2 स्पीकर्स, ट्विटर का यहाँ पे आपको इसमें कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है, तो यहाँ पे स्पीकर्स वगैरह रहेंगे। एंड अगर इसके रिवर्स पार्किंग कैमरे की बात करें तो लगाते इसको रिवर्स पे, तो इस तरह कुछ इसका रिवर्स पार्किंग कैमरे की क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। तो इसको भी कर देते हैं न्यूट्रल। देन डायल यहाँ पे देख रहे हैं ना, काफ़ी बड़े से आपको दिया जा रहा है। एंड ये जब चार्जिंग पे लगाएंगे तो आपको इस पे करना पड़ेगा, अदरवाइज न्यूट्रल, ड्राइव, रिवर्स, ये आपको यहाँ पे इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे दोनों फ्रंट वाले पावर विंडो के कंट्रोल्स, यहाँ पे जाएंगे तो इसकी हैंड ब्रेक, ये वाली डोर आपने पे देखी ली, वही ट्विटर, यहाँ पे डोर ओपनर, नीचे स्पीकर्स वगैरह, बॉटल होल्डर, यहाँ पे जब आएंगे इसके लिए आपको दिया गया है, ये देख रहे हैं ना, यहाँ फोन वगैरह छोटा मोटा सामान अपना आप रख सकते हैं। एंड यहाँ पे जाएंगे तो ये जो आपको ग्लास होल्डर मिला ना, एसी वेंट्स की जगह एसी वेंट्स के फ्लो से यहाँ पे भाई आप जो भी रखेंगे ना चिल्ड रहेगा। एंड यहाँ पे थोड़ा फैब्रिक टच दिया गया जो कि यहाँ पे डोर्स पे भी कंटिन्यू रहेगा, इस तरह बढ़िया आपको यहाँ पे विजिबिलिटी भी देखने को मिल जाएगी। तो अंदर बैठने के बाद भाई लगता नहीं कि हम इतनी छोटी कार में बैठे हुए हैं, बाकी चलाने का एक्सपीरियंस काफ़ी सही सा रहा, वो भी आपको हमारे चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगी इसकी ड्राइविंग रिव्यू की। तो इधर इसका पूरा डैशबोर्ड, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे इसका एडजस्टेबल IRVM मैनुअली रहेगा। और भाई साहब देखिए 1000 लाइट देखिए कहाँ पर दिएगा, 1000 लाइट का स्विच, आई मीन यहाँ पे ऊपर की तरफ, सब गाड़ियों में नीचे मिलता है बट इसमें आपको ऊपर मिलता है। लाइट देखेंगे तो ये बढ़िया आपको दी जा रही है
है व्हाइट वाली। एंड इसी के साथ और एक आपको दिखाएं टिक चीज, ये रहेगी भाई यहाँ पे यूएसबी का पोर्ट देख रहे हैं कहाँ दिया गया है इसके इस आयर वीएम में। सनवाइजर में इधर भी बढ़िया सा दिया गया वैनिटी मिरर, इधर जाएंगे तो यहाँ पे भी इसका वैनिटी मिरर, अभी इसको बंद करते हैं, इधर हैंडल वगैरह। तो ये पीछे का पूरा केबिन, चलिए यहाँ पे आपको बैठ के दिखाते हैं कितना कुछ स्पेस रहेगा। तो ऐसा कुछ था इसका पूरा अंदर का डैशबोर्ड। उधर जाने के लिए आप क्या करेंगे, उधर वाली सीट से ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और ये चीज़ आपको दिखाते हैं ओआरवी में एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स, यहाँ पे टायर प्रेशर वाला जो है ना वो रहेगा, जो कि आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसमें शो नहीं होगा कितने परसेंट यानी कितने पॉइंट हवा है, लेकिन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। हेडलैम्प लेवलर यहाँ पे दिया गया है। तो आते हैं बाहर की तरफ और एक चीज़ आपको दिखा देते हैं। जब आपको मान लीजिए गाड़ी है, जब आप इसको बाहर निकलेंगे, एक तो ऑप्शन रहता है ये अपनी कार से, यहाँ पे देख रहे हैं अभी लॉक है, रेडी है। तो आप जैसे इसको लॉक करेंगे, देखिए सब कुछ ऑफ हो गया, लाइट्स वगैरह क्लस्टर वगैरह सब ऑफ हो गया। देन अभी अंदर आपको चल के दिखाते हैं, उसको ऑन करने का सिस्टम ये रहता है, आप दो बार यहाँ पे पैडल प्रेस करेंगे गाड़ी के अंदर बैठ के, जब की होगी तो आपकी कार स्टार्ट हो जाएगी। एंड मान लीजिए की नहीं तब आपको ऑफ करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे दिया जा रहा है ये स्विच, आपने ये प्रेस किया तो हो जाएगी गाड़ी ऑफ। तो अब चलते सेकेंड वाली रो पे बैठ के देखते हैं वहाँ पे कैसा क्या स्पेस रहेगा इस कार में। तो उसके लिए आप इधर से जाएंगे, तो यहाँ से आई चलते खोलते डोर को। एंड इसके लिए आपको सिंपल सा ऐसे इसको बस प्रेस करके और ये स्लाइड कर देना है, सिंपल सा चला गया। एंड अब आराम से एंट्री कर पाएंगे। भाई बैग वगैरह थोड़ा इग्नोर करिएगा ना, अभी हम लोग मिड एयर राइड पर निकले हुए थे तो थोड़ा लगेज वगैरह हम लोग के पास था होटल से चेकआउट करने के बाद, इस वजह से यहाँ पर रखा हुआ है। एंड बैठने के बाद पिछली रो पे इस तरह पूरा दिखेगा इसका डैशबोर्ड। और ये देखिए भाई साहब, मतलब ये घुटने टच नहीं हो रहा है, इतना सही आपको स्पेस मिलने वाला है। बाकी कार के हिसाब से सही है, बाकी अभी देखेंगे इसकी प्राइस रेंज वगैरह क्या रहेगी इस पर, भाई बहुत कुछ डिपेंड करेगा। इधर देखेंगे ये तो काफ़ी बढ़िया आपको जो ग्लास पैनल दिया जा रहा है ना, इससे भाई जो सेकंड रो वाला पर्सन है बाहर का पूरा व्यू देख सकता है। तो यहाँ पे भी आपको सीट बेल्ट्स फिक्स आपको यहाँ पे हेडरेस्ट देखने को मिल जाएंगे दोनों। तो ये है इसकी यहाँ पे पिछली सीट, बाकी पैनल से काफ़ी बड़ा व्यू, यहाँ पे भी हैंडल वगैरह दिए गए। तो अभी आई निकलते बाहर, यहाँ पे देखेंगे तो पॉकेट्स वगैरह रहेंगे आगे जाने के लिए, सिंपल सा देखा ना काफ़ी सही चीज़ है ये, आप स्लाइड कर दीजिए आगे पीछे आराम से हो जाती है सीट। तो अब निकलेंगे बाहर और सीट को कर देते हैं पीछा। तो यही था इस कार का अंदर का पूरा स्पेस वगैरह। तो आपको कैसी लगी ये MG Comet, जो कि इंटीरियर एक्सटीरियर सभी कुछ वॉल अराउंड आपको दिखा दिया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको इसका ड्राइविंग रिव्यू या डिटेल वीडियो देखना है तो भी आपको बहुत जल्द हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो यही था आज का हमारा इस MG Comet का वॉल अराउंड। तो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं सुनील फिर मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।